नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए। जितने भी विद्यार्थी हैं जो जेईई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम फरवरी माह में है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये 2025 फरवरी के लिए जो है ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। तो जितने विद्यार्थी जो भी है, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, तो तीनों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये आप ही का पेपर है जिसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जो कि आपके 2022 का पेपर है। ये कब का है? 2022 में जो आपके पेपर हुआ था दोस्तों, उसी का पेपर है ये। जेईई 2022 का पेपर है ये मित्रों। तो पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, आप अंत तक जरूर देखना। पूरे 40 के 40 जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो डेली मैं आप लोगों को क्या करवाता हूँ, सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए जितने भी अभ्यर्थी है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। लीजिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में भी है ऊपर और नीचे हिंदी में, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अंग्रेजी को प्रिपेयर करते हो तो उसको देख लीजिए, आपको अच्छी हिंदी लगती है तो हिंदी को देख लीजिए, है ना, जो भी आपकी मर्जी है। बर्ली शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ था, तो जो बर्ली का शिलालेख है ये कहाँ से मिला है आपको, तो बस ये बताना है, आगे मत पढ़ो कुछ भी, ये बताओ बर्ली का शिलालेख कहाँ से मिला था। तो बर्ली का शिलालेख आप सभी को पता है अजमेर से मिला है। कहाँ से? अजमेर से मिला है। और राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है, संस्कृत भाषा में है, और ये आप लोगों को याद रखना है, ये अजमेर से मिला है। और शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, शिलालेख का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो शिलालेख का जो अध्ययन है वह एपियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड, जो जयपुर के शासक थे दोस्तों जयसिंह सेकंड, उनको दोस्तों सवाई की उपाधि दी थी। तो ये सवाई की जो उपाधि दी गई थी ये कौन से शासक के द्वारा दी गई थी, कौन से मुगल शासक के द्वारा दी गई थी? तो ये दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी मित्रों? तो ये औरंगजेब ने दी थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और एक और याद रखना है, सवाई जयसिंह को एक और उपाधि दी थी राज राजेश्वर की। तो राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? तो राज राजेश्वर की जो उपाधि दी थी वह दी थी मोहम्मद शाह ने। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके जेईई में जब आए थे सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, और अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पीवाईक्यू क्वेश्चन आते हैं 80%। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, अन्यथा 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पता लगेगा आपके पेपर कैसा आता है। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? तो सबको पता है सांभर लेक थी दोस्तों। कौन सी झील रही थी? सांभर लेक रही थी, ये चर्चा में रही थी। और यहाँ पर कौन से पक्षियों की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों फ्लेमिंगोज जो पक्षी थे उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। चलो मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मरु विकास कार्यक्रम जो कि 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग के अनुपात से चल रहा है, तो कितना कितना अनुपात है आपको बताना है? जो मरु विकास कार्यक्रम है इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात बताना है। केंद्र और राज्य का अनुपात है 75-25 का। कितने का? 75% केंद्र सरकार का और 25% राज्य सरकार का। ये 16 जिलों में चल रही है ये परियोजना, ठीक है मित्रों। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। मतलब ऐसे मुख्यमंत्री आप लोगों को बताना है जिन्होंने मुख्यमंत्री भी बने और वह राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, बताओ फटाफट। तो आपको बताएं मोहनलाल सुखाड़िया जी, बिल्कुल सही है। और उसके अलावा शिवचरण माथुर है, जगन्नाथ पाड़िया, परंतु हीरालाल देवपुरा नहीं है। केवल आपके मोहनलाल सुखाड़िया होंगे, शिवचरण माथुर हैं, जगन्नाथ पाड़िया। तो 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लीजिएगा, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो आपको बताएं ये हमारा राजस्थान है प्यारा सा। अब आपको बताना है कि लंबवत चमकता है,
बताओ फटाफट। तो आपको पता है लंबवत चमकता है, आपको पता है कर्क रेखा में सीधा जो है सूरज की किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है, यहाँ पर बांसवाड़ा पड़ता है। कौन सा? बांसवाड़ा। तो अपना क्या हो जाएगा जवाब? बांसवाड़ा हो जाएगा। और सबसे तिरछा पूछते तो वो श्री गंगानगर हो जाता, परंतु यहाँ पर पूछा है लंबवत यानी कि सीधा चमकता है, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है वो आपको बताना है। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं, देखो गोट मांगलोद का जो दधी माता का मंदिर है, गोट मांगलोद दधी माता का मंदिर, ये भी आपके क्या है? गुर्जर प्रतिहार शैली। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ये भी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ओशिया जो का सूर्य मंदिर जो जोधपुर में है, ये भी आपके क्या है दोस्तों? क्या है? गुर्जर प्रतिहार मंदिर है, गोट मांगलोद आपके दधी माता आप हो जाएगा। उसके अलावा किराड़ू बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, ये भी है। जबकि चार चौमा का जो मंदिर है दोस्तों, ये चार चौमा का शिव मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है और ये कोटा जिले में है। ये किस काल का है? ये गुप्तकालीन मंदिर है, नागर शैली का मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है ना? तो पूछे गुप्तकालीन कौन सा है? चार चौमा का है। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? जो चौहान वंश थे कौन? सहसमल। तो सहसमल की राजधानी क्या थी ये आपको बताना है। तो सहसमल की राजधानी थी सिरोही। सहसमल की राजधानी क्या थी मित्रों? सिरोही थी सहसमल की राजधानी, ये आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने सिरोही की स्थापना की थी कब? 1425 में। कब की थी? 1425 में इन्होंने सिरोही की स्थापना की थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा स्किप करके, ठीक है मित्रों? शेयर कर दिया करो, ठीक है? चलो दोस्तों अगले प्रश्न में चलता हूँ। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, समझ लो आप लोग। शेयर करो मत करो आपकी मर्जी है, परंतु आशा करूँगा कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्लास को। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है? यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें केंद्र का और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो वित्त पोषण का अनुपात हो जाएगा 60-40 का रेशियो। किसने का? 60-40 का, केंद्र का 60 है और राज्य का 40%, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दे रखी है और जिले दे रखे जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। मिट्टी और जिले दे रखे जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। मध्यम काली मिट्टी आपको पता है हाड़ोती में मिलती है यानी कि बूंदी बारा में, लाल लोमी डूंगरपुर उदयपुर में मिलती है, भूरी रेतीली कचारी मिट्टी जो है आपके भरतपुर अलवर, जबकि लाल पीली झालावाड़ कोटा में नहीं मिलती। लाल पीली जो है झालावाड़ कोटा में नहीं मिलती, ये बनास बेसिन के आसपास पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कहाँ पर? बनास बेसिन के आसपास। अगला प्रश्न है, 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? राजपुताना म्यूजियम कहाँ है जो कि 1908 में जिसकी स्थापना हुई थी राजपुताना म्यूजियम? तो राजपुताना म्यूजियम आपका होगा अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में राजपुताना म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो छावनी बोर्ड की स्थापना जो की गई थी आपको पता है, बता देंगे आप सभी। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? सभी विद्यार्थियों को पता होगा नसीराबाद में। कहाँ पर? नसीराबाद में। कहाँ पे की गई थी मित्रों? नसीराबाद आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। छावनी बोर्ड की स्थापना सन 1818 में नसीराबाद में की गई थी, ठीक है? और आपको बताया वर्तमान में राजस्थान में स्थापित नसीराबाद क्या है? एकमात्र छावनी रह गई है अब। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्ष 2002-03 में राजस्थान के कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? तो सन 2002-2003 में आपको बताना है कितने जिले प्रभावित हुए थे। सारे के सारे जिले हो गए थे, आपको पता है उस समय 32 जिले थे, तो 32 के 32 पूरे जिले हो गए थे, क्योंकि भरतपुर तो बाद में बना है, प्रतापगढ़ तो सॉरी बाद में बना है, तो 33 बने थे, 2008 में हुए थे 33, तो उससे पहले 32 थे, तो पूरे के पूरे जिले यानी कि 32 के 32 जिले क्या हो गए थे? सूखे से प्रभावित हो गए थे। अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्यमंत्री जी ने एक कवियत्री पर विवादास्पद
टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ रहा था। तो आपको पता है आजकल के मुख्यमंत्री तो विवाद किया, आजकल तो गाड़ी भी दे दे, आजकल तो कुछ ही बोल दे। आपको थोड़े दिन पहले पता है डीएनए जांच करने की इनकी बात अपने शिक्षा मंत्री ने की थी, परंतु कोई त्याग पत्र नहीं होता है आजकल। आजकल बिल्कुल बेशरम वगैरह हो गए, बिल्कुल इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों, एमएलए हो, कोई भी मतलब पक्ष के हो, विपक्ष के हो, विधानसभा में कुछ भी बोलते हैं, आपको पता है गाड़ियाँ देते हैं, परंतु इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले के मुख्यमंत्री, मंत्री सब कुछ ऐसे होते थे, अपनी मान मर्यादा को देखते थे वो, यदि कुछ बात निकल गई तो तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। हम देखो सोचो, मतलब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं एक महिला के बारे में बोलने के बाद, तो सोचो कितनी बड़ी बात थी। और आजकल के तो कुछ भी नहीं देते। तो जगन्नाथ पहाड़िया थे दोस्तें, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विवाद इस पर पैदा हो गया था, इसी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी आप याद रखना, किसके लिए दिया था इन्होंने विवादास्पद जो दिया था, महादेवी वर्मा के बारे में इन्होंने कुछ कह दिया था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो रागड़ी दोस्तों मालवी की उपबोली है। रागड़ी मालवी की उपबोली है, याद रखना। रागड़ी किसकी उपबोली है? मालवी भाषा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करना है, जो गलत युग्म है उसको बताना है। करौली प्रजामंडल की स्थापना हो गया संबंधित है त्रिलोक चंद्र मात्र, मेवाड़ बलवंत सिंह, झालावाड़ मांगीलाल भव्य, बीकानेर का मैंने आपको बता रखा है कि बीकानेर का मग्गा है जो कलकत्ता में मिलता है 36 रुपये में। याद हो गया कि बीकानेर की स्थापना मग्गा मतलब मग्गा राम वेद ने की थी, कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1936 में की थी। तो सिंपल सा ट्रिक है, मैंने याद करवा रखा है, तो ये आप याद करके रखो, है ना। और यहाँ पे जो ये दे रखा है तो ये गलत है ना, पंडित हरि नारायण शर्मा, ये गलत है। ये कहाँ के थे फिर आप ये बता दो, अलवर के थे या फिर कहीं और के, बताओ कमेंट करके। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो विलय पत्र पर दोस्तों सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो बीकानेर के द्वारा किए गए थे। तो आपको याद होगा कि बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को, कब? 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और वो राजा कौन थे? तो उस समय के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन? शार्दुल सिंह ने किए थे। अगला प्रश्न आपके लिए लीजिएगा दोस्तों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में बताना है आपको। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखा है और इधर दे रखा है जिला, बताओ फटाफट। तो आपको पता है मित्रों, यहां पर सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि सुंदा माता कहां पर है? सुंदा माता आपके जालौर सिरोही में, तो सुंदा माता जालौर सिरोही में हो जाएगा। गुड्डा विश्नोई कहाँ पर है? गुड्डा विश्नोई आपके जोधपुर में हो जाएगा मित्रों। उसके गोगेलाव नागौर में, बीड आपके झुंझुनू में। तो इसको आप मिलाओगे तो एक से डी तो ये तो कट जाएंगे, ये तो हो गए नहीं, ये दोनों बचे। फिर सी भी दोनों में सेम है, फिर गुड्डा विश्नोई जोधपुर दोनों का सी सही है। अब आपको बताना है गोगेलाव तो नागौर, तो तीसरे का बी होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, तो ये हो जाएगा, फिर ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप मिलान कीजिएगा दोस्तों, आपको शानदार सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप मेरे साथ एलिमिनेट करना है वगैरह वगैरह सीख लो, मैं बता रहा हूँ आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, 40 में से 40 नंबर आपके जो फरवरी में एग्जाम है उसमें आपको जीके में देखने को मिलेंगे। अब आप 80 नंबर का जो पार्ट है वो कहीं से भी तैयार कर रहे होंगे वो आप कर लीजिए मित्रों, है ना। परंतु जो मैं आपको 40 नंबर का जो मैटर तैयार कर रहा हूँ ये आप मेरे साथ ही जुड़िएगा, आप इनको कहीं और से मत पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं बताऊँगा एकदम सटीक बताऊँगा, बिल्कुल आप चिंता मत करो, यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाला है आपका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि आपको बताना है जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है इनमें से। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी देखो, कांतली भी है, काकनी भी है, मेंढा भी है, डाई नहीं है। कौन सी नहीं है? डाई नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ये नदी दोस्तों बनास की सहायक नदी, किसकी? डाई नदी बनास की सहायक नदी है। और आपको पता है बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो ये चली गई है अरब से, किसमें? बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए ये क्या है, अब जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। चलो अगला प्रश्न ये रहा,
डग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है। तो डग गंगधर उच्च भूमियां कहां पर है? तो ये डग गंगधर उच्च भूमियां है हाडोती पठार में। कहां पर? हाडोती के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम जो स्थल है, मुकाम जो आपका जगह है, ये क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विश्नोई संप्रदाय के कारण प्रसिद्ध है आपके मुकाम। आपको पता है विश्नोई संप्रदाय के कारण प्रसिद्ध है मित्रों। तो ये भी आप लोग याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मुकाम बीकानेर। और विश्नोइयों के 29 नियम हैं, ये भी आप याद रखो। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वलोकवादी यंत्र नहीं है, मतलब तत्ववादी यंत्र नहीं है ये आपको बताना है। तो तत्ववादी यंत्र नहीं है मादल। तो रावणत्ता भी है, रवज भी है, बपंग भी है, परंतु मादल जो है तत्ववादी यंत्र नहीं है। तो मादल एक प्रकार का क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है मादल, जबकि रावणत्ता, रवज और अपंग ये क्या है? तत्ववादी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित कौन सा आंदोलन है? भील जनजाति से संबंधित आंदोलन है भगत आंदोलन। पता होगा आपको भगत आंदोलन, जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद गिरी ने की थी। और आपको पता है गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना भी की थी, संप सभा की स्थापना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के कौन से किले में हुई थी? तो आपको बताया अकबर का किला अजमेर में इनकी मुलाकात होती है। अकबर का किला अजमेर में इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लकड़ी से बने देव विमान जिनकी देवझूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है। तो देवझूलनी एकादशी आती है दोस्तों जब जो है लकड़ी के विमान में भगवान की जो है झांकी निकाली जाती है, तो ये इसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेबाण। क्या कहते हैं? उसको बेबाण कहा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भील जनजाति की स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा। तो भील जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो लंबा घाघरा पहनती है, उस लंबे घाघरे को क्या कहते हैं? तो उस लंबे घाघरे को कहते हैं कचाबू। लंबे जो घाघरा होता है उसको क्या कहते हैं? कचाबू कहते हैं। जबकि आपको पता है कू क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि भील जनजाति के जो घर होते हैं उसको कू कहते हैं, ये भी आप याद रखना। और केवल एक ही घर हो तो एक ही घर होगा तो उसको टापरा कहते हैं, परंतु आपको पता है दोस्तों कचाबू आ गया तो आपसे पूछा जा सकता है कटकी क्या होता है। तो जो अविवाहित होती है यानी कि जो अविवाहित जिनकी शादी नहीं होती वो लड़के क्या पहलती है? ओढ़नी ओढ़ती है। अविवाहित बालिका जो है ओढ़नी ओढ़ती है, इसे पावली बात की ओढ़नी भी कहते हैं या फिर इसको कटकी कहते हैं, या क्या होती है? कटकी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाते? मतलब ये तो ऐसा हो गया, मतलब मामला राज्यपाल ने नियुक्त तो कर दिया है ना, और राज्यपाल दोबारा हटा नहीं सकता चाहे कुछ भी कर ले वो, ठीक है। बताओ तो ये कोर्ट किस किस को नहीं हटा सकते? तो राज्य के निर्वाचन जो आयुक्त होता है उन्हें नहीं हटा सकते, नियुक्त करते हैं, और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नहीं हटाते, यानी कि दो और तीन सही हो जाएगा, महाधिवक्ता को हटा सकते हैं, दो और तीन को नहीं हटा सकते। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 को नीम का थाना में आयोजित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था दोस्तों अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था बताओ फटाफट? ये हुआ था मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको बताना है। तो ये किया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब? 27 सितंबर को। अगला प्रश्न, अविका कवच योजना का संबंध किससे है? तो अविका कवच योजना का संबंध आपको पता है भेड़ से है। किससे है? भेड़ से जो है अविका कवच योजना का संबंध है, और अविका कवच योजना 2022 में
शुरू हुई थी। अधिकतम इसमें कितने बेडों का बीमा किया जाता है, तो 50 बेडों का इसमें बीमा किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए, यहाँ पर दे रखा है बांध और जिला, जो सुमेलित नहीं है बांध और जिला वो आपको बताना है। बताओ फटाफट, बांध और जिला जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आपको बताया पांचड़ा बांध करौली में, मेजा बांध भीलवाड़ा में कोटारी नदी के ऊपर, चाकण बांध बूंदी में, जवाई बांध कहाँ है जालौर में है क्या? नहीं, जालौर में नहीं, जवाई बांध, जवाई बांध जो है आपके पाली में है। कहाँ है? पाली में पड़ता है जवाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? आप सभी बताएंगे, सभी के सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर का इंतजार कर रहा हूं, तो वो जवाब हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपका सही जवाब होगा सभी के सभी विद्यार्थियों का, ठीक है। AGG ये आपका कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है आजकल कि राजस्थान का प्रथम AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? AGG कौन था प्रथम? तो मिस्टर लॉकेट साहब थे। कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। प्रथम की बात करें तो 1857 में तो दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रश्न अगला, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, इन सभी का संबंध हो जाएगा बेराट सभ्यता से। किससे? बेराट सभ्यता से इन सभी का संबंध है। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो राजस्थान के बारे में सत्य है? यहां पर देखो क्षेत्रफल 342,339 दे रखा है, गलत है, 329 दे रखा है, ये होता है 342,239, ठीक है, ये सही होता है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई ये 6,920 दे रखी है, ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। उसके अलावा उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 826 होता है, ये भी गलत है। इसका आधार विषम चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना। चलो मित्रों चलते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके लिए, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? मतलब तेजाजी से संबंधित जो स्थान गलत दे रखा है वो बताना है। तो आपको पता है खड़नाल इनका जन्म स्थान है, पर्वतसर में इनका शानदार मेला लगता है, सुरसुरा में इनकी समाधि है, पनेर में क्या है? ननिहाले क्या है? इसमें ननियाल दे रखा है, ननियाल नहीं था। क्या नहीं था? ननियाल नहीं था पनेर में। तो पनेर में क्या था? ससुराल था क्या? बताओ फटाफट क्या था, जल्दी से कमेंट कर दिया करो आप लोग। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो गुड़ला उत्सव दोस्तों, गुड़ला नृत्य की जो शुरुआत हुई थी मारवाड़ का है, किस शासक के काल में हुई थी ये आपको बताना है। तो ये राव सातल के काल में गुड़ला त्योहार की शुरुआत होती है मारवाड़ में। अगला प्रश्न, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? तो गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे? तो गिलुंड सभ्यता जो है आपके बनास नदी के किनारे। कहां पर है? बनास नदी के किनारे है। और ये कौन से जिले में पड़ती है? तो राजसमंद में पड़ती है। और ये कौन सी काल की है? तो ताम्रपाषाण कालीन जो है पुरास्थल है आपके गिलुंड। अगला प्रश्न, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है? तो ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, जवाब हो जाएगा आपके बीकानेर में, जैसलमेर में, फलोदी में और पोखरण में। बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के, यदि सच में आप JN बनना चाहते हो तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। और आपको बता रहा हूँ 40 में से 40 नंबर इधर आ गए तो आपको 30 नंबर भी लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 70 के आसपास, 70-80 कट ऑफ जाती है, 80 मान लो, तो उधर 80 में से आप 40 भी लेके आ गए तो आपको पता है कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो 40 तो मैं दिला ही रहा हूँ, 40 आप 80 में से नहीं ला सकते हो क्या? आप 40 80 में से ला सकते हो तो फिर आपका सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। बस आप इसी प्रकार तैयारी करो जैसे मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में साहिबे का युद्ध कब लड़ा गया? राजस्थान, और यदि आप इधर उधर भटकते रहोगे तो आपकी मर्जी है भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। राजस्थान में साहिबे का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो साहिबे का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1541-42 में लड़ा गया था साहिबे का युद्ध। अगला प्रश्न,
कवि एक चित्रकार एवं नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सबको पता है राजा सावन सिंह, इनका संबंध भी है कहाँ से? किशनगढ़ से। कहाँ से संबंध इनका? किशनगढ़ अजमेर से इनका संबंध भी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 40 प्रश्न मैंने करवाए हैं आपके इंजीनियरिंग सारे के सारे विद्यार्थियों के लिए, आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख करके बताएंगे किस आपको ये वीडियो वाकई में कैसी लग रही है, या कोई इसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कल फिर से इसी समय मुलाकात करेंगे।